क्राइम की स्टोरी में आज बात होगी यूक्रेन के ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसका नाम शीरे एच है। इसने 100 से ज्यादा हत्याएं की जिसमें बच्चियां और महिलाएं होती थी। ये इनको मारने से पहले उनका रेप करता, फिर गला घोटकर मौत के घाट उतार देता। 1984 से पुलिस को बच्चियों और महिलाओं की लाश मिलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। पुलिस को कई शहरों में से बच्चियों और महिलाओं की लाशें मिल रही थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि कातिल इतना चालाक कैसे हो सकता है कि कोई सबूत मौका वारदात नहीं छोड़ता। पुलिस शक के बिना पर कई लोगों को उठाती है और उनको जेल भेज देती है, मगर हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि कातिल पुलिस के काम करने के तरीके को जानता है। 2 दशक बीत जाते हैं मगर वो कातिल पकड़ा नहीं जाता। 2005 को पुलिस को एक बच्ची का शव मिलता है। उस बच्ची के अंतिम संस्कार के दौरान बच्ची के एक दोस्त को शीरे दिखता है। वो उसको तुरंत पहचान लेता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। शीरे अपने जुर्मों को कबूल कर लेता है और कोर्ट इसको उम्र कैद की सजा सुनाती है।